आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको दूब घास के प्रयोग बताएंगे। दरअसल दूब घास आपने देखा होगा, आपके पार्क में, आपके लॉन में हर जगह मिल जाती है। कहा जाता है कि ये संजीवनी बूटी से कम नहीं होती, धरती का अमृत भी इसे कहा जाता है। चलिए आज विस्तार से इसके फायदे जानते हैं। सबसे पहला फायदा हम देखते हैं सिर दर्द को दूर करने में। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है, तो आप दूब का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी ढंग से कर सकते हैं। क्या करेंगे, दूब घास तथा चूने को समान मात्रा में मिलाकर पानी में पीसकर कपाल पर लेप करिए, सिर दर्द में 100% लाभ मिलेगा। अगला है आंखों का दर्द दूर करने के लिए। आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करने से या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होने लगता है, इससे राहत पाने के लिए दूर्वा बहुत काम आती है। दूर्वा यानी घास को पीसकर पलकों पर बांधने से आंखों का दर्द कम होता है तथा नेत्रमल यानी जो डीड़ या गीड़ जिनको आप बोलते हो, या कचरा आंखों में आता है, वो आना बंद हो जाएगा। ध्यान रखें कि जो पलकों पर आप बांध रहे हैं वो अंदर नहीं जाए। अगला है नकसीर में फायदेमंद है। कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड के कारण नाक से खून बहने की समस्या होती है, तो दूब से बना घरेलू उपाय आपके नाक से खून बहने को कम कर देगा। इसके लिए अनार फूल के रस को दूब के रस के साथ अथवा लाक्षा रस या हरड़ के साथ मिलाकर एक दो बूंद नाक में डालने से नाक से खून बहना बंद हो जाएगा। अगला है दस्त को रोकता है दूर्वा घास। अगर ज्यादा मसालेदार खाना, पैकेज्ड फूड या बाहर का खाना खा लेने के कारण आपको दस्त है, कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दस्त, तो दूर्वा का घरेलू उपाय कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, दूब को सौंठ और सौंफ के साथ उबालकर पीने से आमातिसार से मुक्ति मिलेगी, यानी दस्त से मुक्ति मिल जाएगी। अगला है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, जल शोफ यानी ड्रॉपसी, इसके लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर में ऊतक यानी टिश्यू में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण, पानी जम जाने के कारण सूजन और दर्द होने लगता है, जिसका घरेलू उपचार करने में दूर्वा घास बहुत काम आता है। इसमें क्या करना है, 10 से 30 मिलीलीटर दूर्वा घास से बने काढ़े को पीने से जल शोफ यानी ड्रॉपसी में बहुत फायदा मिलता है। अगला है बवासीर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा है, जरा देख लीजिए। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने से आपको पाइल्स की होने की संभावना बढ़ गई है, तो आपको दूब घास बहुत फायदेमंद होगी। इसमें करना क्या है, आपको दूब का पंचांग पीसकर दही में मिलाकर लेने से, इसके पत्तों को पीसकर बवासीर पर लेप करने से अर्श में बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा देख लीजिए, दूर्वा का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से रक्त वाले बवासीर तथा मूत्र संबंधी समस्या में लाभ मिलेगा। अगला है ब्लीडिंग रोकने के लिए। मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे मासिक धर्म होने के दौरान दर्द होना, अनियमित मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म के दौरान रक्त श्राप या ब्लीडिंग कम होना या ज्यादा होना। इन सब समस्याओं में जो दूर्वा घास है वो आपकी बहुत मदद करेगी। करना क्या है, दूर्वा रस को घी के साथ मिलाकर भलीभांति मिला लीजिए, और जो आपकी सतह है उस पर आप लेप करिए। आप देखिए इस शीतल चिकित्सा को करने के बाद रक्त स्राव कैसे रुकता है। अगला है पथरी निकालने के लिए भी आप दूब घास की मदद ले सकते हैं। आजकल के असंतुलित आहार और जीवन शैली का असर किडनी पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, इसके कारण किडनी स्टोन या अश्मरी का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूब का सेवन प्राकृतिक तरीके से पथरी को निकालने में मदद करता है। दूब को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीसकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम पीने से पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। अगर मूत्र संबंधित कोई भी समस्या है तो क्या करना है, दूब की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिलीलीटर मात्रा में पीने से आपका जो सूजाक है, आपका मूत्र दहा का जो है शमन हो जाएगा, यानी कि मूत्र दहा वाली प्रॉब्लम है, बार बार मूत्र आने की प्रॉब्लम है, वो बंद हो जाएगी। दूब को मिश्री के साथ घोट छानकर पिलाने से पेशाब के साथ खून आना बंद हो जाएगा। एक और भी है, 1-2 ग्राम दूर्वा को दूध में पीसकर छानकर पिलाने से भी मूत्र दहा कम हो जाता है। अगर आपको दांत खाज खुजली हो गई है तो आपको करना क्या है, दूब को हल्दी के साथ पीसकर लेप करने से खुजली और दांत वाली जगह पर लगाइए, एकदम खत्म हो जाएगा। शीत पित्त में करना क्या है देख लीजिए। आजकल प्रदूषण की वजह से आपके त्वचा संबंधी रोग बहुत हो जाते हैं। अगर किसी को एलर्जी के कारण पित्ती निकल गई है तो दूर्वा एवं हल्दी का पेस्ट लगाने से खुजली, पामा, शीत पित्त और पित्ती में लाभ मिलेगा। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है
हर रोग का निदान।